दोस्तों आईपीएल साल 2020 के सीजन को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां केवल 8 दिन का समय बचा है जो कि 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाने वाला है। और दोस्तों बीसीसीआई की तरफ से भी सभी तरह की फाइनल तैयारियां पूरी हो चुकी है, जहां सौरभ गांगुली खुद यूएई पहुंचकर सभी तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बहुत ही ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, केकेआर है तैयार, दोस्तों काफ़ी मजबूत इनका स्क्वाड है और प्लेइंग 11 भी काफ़ी मजबूत बनने वाली है। आप नीचे ज़रूर कमेंट करें कि क्या आप सपोर्ट करते हैं केकेआर की टीम को, क्या केकेआर इस साल का आईपीएल टाइटल जीत पाएगा। इसके अलावा दोस्तों केकेआर की टीम की तरफ से तीन बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जिसके अंदर दोस्तों हैरी गर्नी की रिप्लेसमेंट को लेकर भी काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो फ्रेंड्स कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर क्या है ये तीन बड़ी अपडेट, क्या है ये तीन बड़ी न्यूज़, आज की वीडियो में हम ए टू जेड सभी तरह की बात करने वाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पर दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके वीडियो लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आईपीएल और क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट पर वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ आईपीएल और क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों आईपीएल साल 2020 के सीजन को लेकर अब काफ़ी कम समय बचा है, जिसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से सभी तरह की फाइनल तैयारियां हो चुकी है और प्लेऑफ्स का शेड्यूल भी काफ़ी जल्दी सामने आने वाला है, जो कि एक प्लेऑफ का शेड्यूल ही ड्यू रह गया था बीसीसीआई की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से अभी दिन की बहुत बड़ी तीन बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, आज बात करने वाले हैं इन्हीं तीन बड़ी न्यूज़ की। पहली न्यूज़ की यहाँ बात करें तो दोस्तों सीपीएल को लेकर आती है, जहाँ आप सभी को पता होगा कि फाइनल के अंदर टीकेआर ने सेंट लूसिया जूक्स को हरा दिया है और दोस्तों अपना 12वां मैच लगातार जीता है। इसके अलावा दोस्तों सीपीएल की ट्रॉफी उन्होंने चौथी बार जीती है। बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की तो लैंडल सिमंस बने हैं, वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कायरन पोलार्ड बने हैं। साथ ही में दोस्तों सीपीएल के सभी बचे हुए खिलाड़ी जो आईपीएल ज्वाइन करने वाले हैं वो 12 सितंबर को यूएई पहुंचेंगे और क्वारंटाइन पीरियड 6 दिन का रहेगा, इसके बाद वो अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे। दूसरी बड़ी न्यूज़ निकल के आती है यहाँ पर प्रैक्टिस मैच को लेकर, दोस्तों प्रैक्टिस मैच को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, जहाँ दिनेश कार्तिक 11 वर्सेस शुभमन गिल 11 के बीच में मैच खेला गया था। दिनेश कार्तिक 11 ने पहले बल्लेबाजी करके 158 रन का लक्ष्य दिया था। शुभमन गिल 11 को दोस्तों मुकाबला एक तरफा बना दिया, जहाँ शुभमन गिल ओपनिंग करने आए थे और उनका दोस्तों काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है, जहाँ उनके बल्ले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट्स निकले और शुभमन गिल ने दोस्तों 82 रन की पारी खेली। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी आसानी से शुभमन गिल 11 ने मुकाबला जीत लिया और दोस्तों डेविड हसी जो कि अभी चीफ मेंटर है, उन्होंने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तारीफ की टीम के कप्तान शुभमन गिल की। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या नए कप्तान के तौर पर शुभमन गिल को आप देखना पसंद करेंगे या फिर दिनेश कार्तिक से ही आप संतुष्ट हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरी बड़ी अपडेट यहां निकल के आती है हैरी गर्नी की रिप्लेसमेंट को लेकर। दरअसल दोस्तों अब आईपीएल शुरू होने में कुल 8 दिन बचे हैं और अभी तक दोस्तों अनाउंस नहीं की गई है हैरी गर्नी की रिप्लेसमेंट, लगातार सस्पेंस बना के रखा गया है, जहां दोस्तों सबसे पहले न्यूज निकल के आई थी कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम में लेने वाले हैं पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एनओसी नहीं दी। इसके बाद इंग्लैंड के डेविड विली ने भी मना कर दिया है। अब दोस्तों उसके बाद जो अपडेट आई थी वो ये थी कि ये जो अब रिप्लेसमेंट होने वाली है ये एक कैरिबियन प्लेयर होने वाले हैं, पर दोस्तों जो अब फाइनल अपडेट और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई है वो ये है कि बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, जिनके ऊपर बैन लगा हुआ था, उनके ऊपर से बैन हट चुका है और दोस्तों केकेआर की टीम लगातार टच में है शाकिब अल हसन के, क्योंकि यूएई की कंडीशन स्पिन है दोस्तों, स्पिनर को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है और शाकिब अल हसन एक क्वालिटी स्पिनर है, साथ ही साथ बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या हैरी गर्नी के रिप्लेसमेंट के तौर पर शाकिब अल हसन को टीम में जगह मिलनी चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स ये तीन बहुत बड़ी अपडेट थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।